नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कायरो कपिंग केयर से। आज हम इन पेशेंट को कपिंग थेरेपी करेंगे। कपिंग थेरेपी कैसे होती, कैसे नहीं होती, ये हल्का सा हम पहले इनको जो इनकी मसल्स टाइट हो रखी उनको रिलैक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि कपिंग थेरेपी करते समय इनको दर्द ना हो। ये देखिए, अभी हम इनको कपिंग थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से। पूरा वीडियो को देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल पे कपिंग थेरेपी के, एक्यूपंचर के, हिजामा के, कटी बस्ती के बहुत सारे वीडियो है, और हमें सपोर्ट करें इस तरीके से। ये देखिए, पूरा वीडियो देखें। शुगर पेशेंट है, उनको कपिंग ज़्यादा लगा के नहीं रखनी चाहिए, पाँच से चार मिनट ही रखनी चाहिए, और गर्मियों में इसको कम टाइम ही लगा के रखें। और ज़्यादा लगाने से इसके चमड़ी में छाले वगैरह हो जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए पूरा वीडियो। इस तरीके से वीडियो को शेयर भी करें। इन पेशेंट को T1 से लेके T12 तक दर्द था, तो इनको हम कपिंग थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक के 4-5 सेटिंग दिए, उनसे इनको काफ़ी अच्छा आराम मिला इस तरीके से। ये पूरा वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए।